मैं मीना लेमेनेस नजर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, मुकदमा दर्ज। नशे की लगी ऐसी लत की बन बैठा ड्रग्स तस्कर। सड़क हादसे में दो राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौत, खड़े ट्रक में जा घुसी कार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रुड़की टोड़ा कल्याणपुर में एक विवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मामले को दबाने के लिए दोनों ने शव को ढंडेरा फाटक के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। पत्नी को प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली बरेली से हेरोइन लाकर उसे बाहर दिल्ली इलाके में सप्लाई करने वाले दो युवकों को नारकोटिक्स ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी कैलाश पहले जेब तराशी करता था। कैलाश को नशे की लत थी, वह ड्रग्स की तस्करी करने लगा। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो हेरोइन जब्त की है, जिनको अंतरराष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शहडोल दर्दनाक सड़क हादसे में तीरंदाजी के दो नेशनल खिलाड़ियों की मौत हो गई। हादसा शहडोल से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 43 की है, जहां एक खड़े ट्रक में खिलाड़ियों की कार जा घुसी। दोनों खिलाड़ी झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक घटना रात के 12 बजे के बाद हुई थी, जब नेशनल हाईवे पर खड़ी एक ट्रक में उनकी कार। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस हिंदी की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक धन्यवाद।